अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें, हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है। तो तुम मुआफ कर दो और दरगुजर करो यहां तक कि खुदा अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक खुदा हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और जकात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको खुदा के यहां पालोगे। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिष्त में नहीं जाने का, ये उन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, जो शख्स खुदा के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकुकार भी हो तो उसका सिरा उसके परवरदिगार के पास है, और ऐसे लोगों को कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रस्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रस्ते पर नहीं, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं किसी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं खुदा कयामत के दिन उसका उनमें फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो खुदा की मस्जिदों में खुदा के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी में साई हो। उन लोगों को कुछ हक नहीं कि उनमें दाखिल मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। और मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की जात है। बेशक खुदा साहिब वसत और बाखबर है। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि खुदा औलाद रखता है, नहीं वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फर्मा बरदार है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे वो भी उन्हीं की सी बातें किया करते थे। उन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिबे यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अहले दोजख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी। और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक कि उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो। उनसे कह दो कि खुदा की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही खुदा के आ जाने पर भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अजाब खुदा से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है। यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो इसको नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। खुदा ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। खुदा ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाने काबा को लोगों के लिए जमा होने और अम पाने की जगह मुकदर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों
और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो खुदा ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मुतमत्ते करूंगा मगर फिर उसको अजाब दोजख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्ला की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ परवरदिगार हमको अपना फरमाबरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना मुती बनाते रहियो। और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार उन लोगों में उन्हीं में से एक पैगंबर मबऊस कीजो जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और उनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तू गालिब और साहिब हिकमत है। और इब्राहिम के दीन से कौन रूगरदानी कर सकता है बजुज इसके जो निहायत नादान हो। हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी वो जुमराए सुलहा में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि इस्लाम ले आओ तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे इताअत हम करता हूँ। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब ने भी अपने फर्जंदों